सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 8 अगस्त 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:18 हो रहे हैं. आज जैसे कि थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो आज भी काफी वोलेटाइल मूव दोनों इंडेक्स में दिखाई दे सकता है. कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, फिर से एक बार आरबीआई ने 0.35 बेसिस पॉइंट अभी रेट कट कर दिया है, तो इंडस्ट्री के लिए काफी ये अच्छी बात है. लेकिन जो जीडीपी है 2020 के लिए, वो उसका फोरकास्ट इन्होंने घटा दिया है, तो ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है. लेकिन जो इंडस्ट्री में अभी थोड़ी सी मंदी दिखाई दे रही है, उसको बूस्ट करने के लिए तो रेट कट कर दिया है, ताकि कंज्यूमर्स का परचेसिंग पावर बढ़े और सेल जो होता है इंडस्ट्री का वो बढ़े. तो उसके लिए आगे और भी आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से और भी क्या एक्टिविटीज आती है, उसके ऊपर बाजार का मूड फंडामेंटली निर्भर करता है. हम टेक्निकली ये देखेंगे आज क्या निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है, यानी 7 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. कल के वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,039 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,096. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. काफी साइडवेज पैटर्न था कल पूरे दिन, जब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बाहर उसका आउटकम नहीं आता. तो जैसे ये ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट 10,883 ये यहाँ पर अचीव हुआ. आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर ये सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक भी दिखाया था थोड़ा सा. हालांकि जैसे ये फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसने सेकेंड टारगेट 10,860 ये भी अचीव किया, और इसी के पास अराउंड ये आकर क्लोज हुआ 10,855 के पास. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार, यूएस मार्केट, नास्डैक 29 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी हरे निशान में कल बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट यहाँ पर खुल गए तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, फ्लैट दिख रहा है इस समय. जापानीज इंडेक्स 120 पॉइंट्स की बढ़त दिख रहा है, और चाइना मार्केट में 23 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर 17 पॉइंट की मजबूती के साथ पॉजिटिवनेस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से बाउंस बैक, पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, क्योंकि ये जो फॉल आ रहा है यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स कहाँ बन रहे हैं इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए यह फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था. तो इसका जो 61.8% का ये जो लेवल है 10,806 ये यहाँ पर अचीव हो गया था, और उसी के पास ये 100 EMA आ रहा था. तो अभी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन बन रहा है. अगर 10,800 को ये ब्रेक करता है तो हमें ये कंसोलिडेशन फेज, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इसका ये जो लोअर बैंड है 10,520 के पास आ रहा है, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बन सकता है. तो अभी अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है, इसने तो ये 61.8% का लेवल ये यहाँ पर अचीव कर लिया, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो सकते हैं, इसके लिए इस टॉप और इस बॉटम को पकड़ के हम यहाँ पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो 11,094 यानी 11,100 के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है. उसके बाद ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये अराउंड 11,200 के पास है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. अभी फिलहाल यहाँ से ये पुल बैक है, यहाँ से अपसाइड मूव, एक जबरदस्त अपसाइड मूव रैली देखने के लिए इसे फिर से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करना होगा, तो ही हमें यहाँ से ये अपसाइड मूव एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है. तो अभी फिलहाल ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. यह है डेली चार्ट.
ये ट्यूसडे का कैंडल है जहां पर हमने पीवट पार रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडलस्टिक आया और उसके बाद पीवट पार रिवर्सल पैटर्न आया, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई लो और क्लोज जो था इसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका हाई लो और क्लोज है, यानी यहाँ पर ये बुलिश सिग्नल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और कल वेनसडे को यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी ये ट्यूसडे का हाई और जो लो था इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था, यानी ये जो बुलिश पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ इसका इम्पैक्ट यहाँ पर अभी भी है। जब तक ये हाई और लो को तोड़ नहीं देता, ब्रेक नहीं कर देता, तब तक नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल सकता। अभी कल यहाँ पर इंडिसिजिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी जब भी ये डाउन ट्रेंड में जब भी अपसाइड मूव आता है, यहाँ पर ये समझिए ये डाउन ट्रेंड है, और जब भी यहाँ पर अपसाइड मूव आता है तो ये डायरेक्ट ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता, ये यहाँ पर भी राइजिंग बॉटम्स बनाता है ये ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे राइजिंग बॉटम्स ऊपर की तरफ बनने बहुत जरूरी है। तो हो सकता है ये अभी यहाँ पर राइजिंग बॉटम को क्रिएट करे और फिर इसका हाई ब्रेक करके ऊपर जाए, और जब तक ये 10,800 को ब्रेक नहीं करता यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। तो अभी ये जो सिग्नल मिला है ट्यूसडे को पिवट बार रिवर्सल का, तो ये यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है, ये अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसका हाई अगर ब्रेक करता है इसके ऊपर क्लोज करता है तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव और भी दिखाई दे सकती है। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में क्या हुआ था जब ऐसा पीवर्ड बार रिवर्सल पैटर्न आया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवर्ड बार रिवर्सल के बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक आया है और उसके बाद ये अपसाइड मूव जबरदस्त देखने को मिला है। फिर से और एक पैटर्न देख लेते, यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न, ये जो डाउनफॉल आया था इसके बाद ग्रीन कैंडल बना जो कि पीवट बार रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद ये बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से यहाँ पर आया था लेकिन इसका लो बुलिश कैंडल का प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर नेक्स्ट डे बियरिश कैंडल आने के बावजूद यहाँ से अपसाइड मूव हमें दिखाई दिया। तो जब भी ये डाउन ट्रेंड में ऐसा ही है, माफ कीजिए, डाउन ट्रेंड के बाद जब भी अपसाइड मूव आता है तो उसके लिए यहाँ पर ये ऐसे राइजिंग बॉटम्स बनना बहुत जरूरी है। तो ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर हमें अपसाइड मूव का कंफर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी भी ये बुलिश पैटर्न जो बना हुआ है पिवट बार रिवर्सल का, ये अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इस लेवल को देखें, ये जो लास्ट हाफ एन आवर का बियरिश कैंडलस्टिक बना है उसका हाई अगर देखें तो यहाँ पर कल इसने 3 आर यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था, उसके पहले ट्यूसडे को भी यहाँ पर इस लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा जो कि अराउंड 20 ईएमए के पास आ रहा है। ये पिंक लाइन का जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप, ये 20 ईएमए है, ये अराउंड 10,922 के पास आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ पर होगा 10,948, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर कल का लो अगर ब्रेक कर देता है यानी 10,836 के नीचे अगर ये निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा 10,816, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 10,797, राउंड फिगर कर देते 10,800, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और अपस्टॉक्स का जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है उसका जरूर फायदा उठाइए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।